नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं चंद्रसल, जो कि कोटा नयापुरा से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है चंद्रसल गांव। ये है चंद्रसल गांव से चंद्रेश्वर महादेव मठ जाने का रास्ता, जो कि अंडर ब्रिज रेलवे लाइन पुलिया से के नीचे निकलता है। हम आ चुके हैं शिवालय श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो मठ के नाम से जाना जाता है। शिव मंदिर चंद्रेश्वर चंदोई नदी के तट पर स्थित बाईं ओर स्थित है। ये देवालय 10वीं शताब्दी के हैं। इसमें प्रमुख एक शिव मंदिर है और इसमें एक विष्णु भगवान की मूर्ति भी है, विष्णु भगवान का मंदिर भी है। आप इसके बारे में क्या बता रहे थे?
ये जो है बोलते हैं कि पुराना है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है ये। हाँ, काफी पुराना है। हाँ। जो कि करीब करीब 1100 वर्ष पुराना, 1100 साल पुराना है। तो किसी रानी के जो बच्चा हुआ था, हाँ, तो उसके हाथ और पैर गर्दन कुछ नहीं आई थी, लोटी की तरह आया था वो। अच्छा। और उसमें जीव था। अच्छा। तो उस राजा ने देश नकाला दे दिया था उसको। हाँ। शाम पड़े इसको, रानी को, रानी को। हाँ। तो फिर जहाँ शाम पड़े, हाँ, वहीं इसको छोड़ के राजा ना, जब वो ये गंगा माया उसी टाइम की ये तो, ये जो नदी है चंद्रसल के नाम से जो जानी जाती है, ये पहले की थी। तो हाँ। वो जब हाथ पैर धोए, पालना को नीचे रखा उसने, और जब बच्चा को संभाला, हाँ, तो वो उसके हाथ पैर सब कुछ आ चुके थे। अच्छा, तो अच्छा। फिर राजा के पास में खबर पूछाई तो राजा फिर वो यहाँ आया, उसने फिर महादेव जी का निर्माण कराया, फिर नागा महाराज को दान कर गया था। अच्छा अच्छा। ये विश्व भर में प्रसिद्ध कोटा की 1100 साल पुरानी विरासत आज बर्बाद हो चुकी है। द्वारा यह ऐसा बनना बिल्कुल मुश्किल है। इस मंदिर का निर्माण पहले इंटरलॉकिंग तरीके से हुआ था। इस मंदिर की नई डिजाइन के लिए इसको गिराया गया था, ध्वस्त किया गया था, और इसकी जो पत्थरों की जो नंबरिंग करनी थी, किस तरीके से पत्थर ये लगाने हैं वापस और किस तरीके से इन्हें जोड़ना है, इसकी डिजाइन उन्होंने तैयार नहीं की थी सभा मंडप में। तो वापस इन पत्थरों को जमाना इनके लिए मुश्किल हुआ और असंभव हुआ। तो अभी तक भी ये बेकार ही पड़े हुए हैं। उस समय इस मंदिर की जो चुनाई थी पहले ना तो सीमेंट से थी, ना कोई मिट्टी के गोल या लेप से था, ये इसकी चुनाई डायरेक्ट पत्थरों की इंटरलॉकिंग से थी। वैसे भी आज के समय के हिसाब से अभी इसका निर्माण कार्य चालू है। यहाँ पर जो देवालय बने थे उस समय, जैसे विष्णु भगवान का था, गणेश जी का था और हनुमान जी का था, जो अभी बिल्कुल उनके हालात ख़राब है, गिर चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं ये मंदिर। द्वारा कार्य हो रहा है इन पर। देखो ये जो पत्थर रखे हुए हैं, काफ़ी समय से ऐसे ही रखे हुए हैं, जो कि इंटरलॉकिंग के लिए रखे हुए हैं, लेकिन न जाने कब इन पर ध्यान दिया जाएगा, न जाने कब ये वापस भवन शिवालय वापस तैयार होगा। यहाँ
यहाँ गांव वाले जो पुराने लोग हैं आज भी बताते हैं कि इस मंदिर के नाम पर करीब 750 बीघा ज़मीन है, जो कि इस पे खेती होती है, उस पे फसल होती है, मुनाफे से जोपी जाती है और इसका जो पैसा आता है मंदिर के नाम में अकाउंट में जाता है। मानसून के दिनों में काफ़ी अच्छी हरियाली देखने को मिलती है और नदी का पानी अभी कम हो चुका है। आज हमने देखा ये चंद्रसल का मठ। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।